हेलो स्टूडेंट्स, सो कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है अन अकेडमी के चैनल नीट UG 10 पे। और इस चैनल की खासियत यह है कि आपको विद इन 10 मिनट्स में आपको टॉपिक बताया जाता है, इवन न्यूमेरिकल के साथ आपको टॉपिक समझाया जाता है। तो सो आपको कम टाइम देना पड़ेगा रिविजन और सीखने के लिए। मेरा नाम आदित्य कुमार है, मैंने बीटेक किया, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मैं नीट जेई मेन्स एडवांस की फिजिक्स ऑलमोस्ट 6+ ईयर से पढ़ा रहा हूँ। और मैंने आकाश इंस्टीट्यूट साउथ एक्स न्यू दिल्ली में पढ़ाया, करियर पॉइंट कोटा में पढ़ाया। अब मैं अन अकेडमी में फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। बच्चों, इसके सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना है कि आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है इसको, ठीक है, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके फीचर्स देखते हैं। डेली लाइव क्लासेस होती है, इट्स मीन्स आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, टीचर आपके डाउट क्लियर करेंगे उसी का टाइम पे। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती है यहाँ पे बच्चों। क्वेश्चन के थ्रू ही आप फिजिक्स केमिस्ट्री सीखेंगे आसानी से, या कोई भी सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस से सिलेबस आपको टाइम पे करवाया जाए। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब बच्चों कि आपको यदि 12 या 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो उस दौरान आप जितने भी लाइव क्लासेस हैं वो रिकॉर्डेड रहेगी, वो आप कभी भी उसको देख सकते हैं। अब इसके चार्जेस के बारे में देखते हैं। 1 मंथ का है 5,400, 6 मंथ का 3,600, 12 मंथ का बच्चों कितना है 2,250, 24 मंथ्स का 1,350। इसका लॉन्ग टर्म के लिए लीजिएगा वो आपको कम कॉस्ट का पड़ेगा, ठीक है। और मेरा कोड आप यूज कीजिएगा तो आपको 10% का डिस्काउंट किसी भी तरह के कोर्सेज में मिलेगा। अब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखते हैं बच्चों, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, पहली बात कि आपको पोटेंशियल किसी आपका क्या उसके वर्च्यू या उसके पोजिशन, मीन्स इससे स्प्रिंग है, आपने उसको कंप्रेस कर दिया तो दबा के रखा है, तो ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व। जैसे ही आप हटाएंगे एक्सटर्नल, काइनेटिक में चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। शेप के कारण भी होगा उसका, इसे एक मान लीजिए बॉल है, उसको पता है कंप्रेस रबर की बॉल है, उसको कंप्रेस कर दिया तो उसका शेप चेंज हो गया, है ना, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया उसमें, ठीक है। अब बच्चों पोटेंशियल एनर्जी देख रहे कंजर्वेटिव फोर्सेस के, यहाँ देखते हैं। इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस एफ इक्वल टू माइनस टी यू बाई डी आर, आपको पता है माइनस, ठीक है ना, कंजर्वेटिव फोर्सेस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का देख रहे इक्वेशन। डी यू इक्वल टू क्या, माइनस एफ डी आर। तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और ये फाइनल एनर्जी, तो ये हो गया यू टू, ठीक है, निगेटिव ऑफ वर्क डन। ये आप देखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम में भी देखेंगे, याद रखिए यू टू माइनस यू वन हो गया इंटीग्रेशन माइनस एफ आर वन आर टू आप इसका, ठीक है। आपको ये आया है आर, यहाँ पे रखा है मैंने, वेन एवर पॉसिबल वी टेक द रेफरेंस, मतलब इन्फिनिटिव से किसी पॉइंट को आपने पढ़ा है हमेशा कि इन्फिनिटिव वर्क डन कैसे डिफाइन, इन्फिनिटिव से किसी पॉइंट को लाने तक में जितने एनर्जी है और वो जिसके अगेंस्ट हम काम करते हैं कि नहीं, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव से कितना आर तक लेके गया। तो ये फॉर्मूला आप सिंपली नीट के लिए आपको क्या करना है, ये जो फॉर्मूला है ना ये वाला, आपको ये ध्यान रखना है इसमें। अब यहाँ से ध्यान से सुनिए, पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइन है। फिर से ध्यान सुनिए, जो कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही आप पोटेंशियल एनर्जी कर सकते हैं। फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स, ये सब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है जिसके लिए आप पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई अप्लीकेबल नहीं है। आपका पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसके लिए है, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, ठीक है ना। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है, आगे देखते हैं कुछ चीजें। अब देखिए यहाँ पे पोटेंशियल जो पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट, उसको ध्यान में रखना है क्योंकि थ्योरेटिकल कंसेप्ट बच्चों का क्लियर नहीं होता, सेशन रीजन में पूछा जाता है। क्या देखिए, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइन ओनली फॉर कंजर्वेटिव, इट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर नॉन कंजर्वेटिव। ऐसे यहाँ पे इसलिए पॉइंट्स का मैंने यहाँ मेंशन किया है। पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन, यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, काइनेटिक एनर्जी की तरह। ए मूविंग बॉडी मे और मे नॉट हैव पोटेंशियल एनर्जी, ये किस पे, क्यों, रीजन है कि आपका ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। पोटेंशियल एनर्जी शुड बी कंसिडर टू बी प्रॉपर्टी ऑफ द इंटायर सिस्टम रादर देन असाइनिंग टू बी ए सबसे। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पूरे सिस्टम के बारे में बात करता है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स बच्चों। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इफ द एनर्जी सुटेड विद द स्टेट स्प्रिंग, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, कंप्रेस करते हैं, इलोंगेट करते हैं, वहाँ भी क्या आती है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल पोटेंशियल एनर्जी का, जिसे स्प्रिंग के केस में आप हमेशा याद रखिए यू इक्वल टू क्या, हाफ के वाई स्क्वायर। वाई क्या है, स्ट्रेस, इलोंगेशन या कंप्रेशन, ठीक है, हाफ के वाई स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आप 12th में पढ़िएगा, ये भी क्या है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी का टाइप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये इंटू है बच्चों, ये इंटू, ठीक है, इंटू Q1 Q2 बाई
ये पोटेंशियल एनर्जी, ये भी वेल फॉर ए पॉइंट क्यू एट, ये भी एक पोटेंशियल एनर्जी की ये चार्ज है, ये क्या है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल क्या है क्यू इंटू वी। अब देखिए बच्चों इलेक्ट्रिक पॉइंट कैन भी पॉजिटिव और निगेटिव, हाँ पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दो बॉडी के बीच मासेस है तो उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होगा, आप 11th में लास्ट में ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, ये भी क्या है एक टाइप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम वन एम टू बाई आर। ठीक है अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, देखिए एक नीट का क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है कि ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज मूविंग ऑन इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस आर अंडर ए सेंट्रीपेटल फोर्स। बच्चों सेंट्रीपेटल फोर्स एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ये इक्वल टू कितना माइनस के बाई आर स्क्वायर लिखा है। ठीक है मॉड वैल्यू हम ले रहे हैं आप, चलिए मॉड वैल्यू रहे हैं, इसका मतलब क्या है एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू क्या के बाई आर स्क्वायर। ठीक है वेयर के इज कॉन्स्टेंट, वॉट इज द टोटल एनर्जी, अच्छा बताइए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर होती है ना, तो बताइए हम क्या करेंगे इसको निकालना है काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ से एम वी स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल दें, जिससे बताइए यहाँ से आर कैंसिल हो गया तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहाँ पे के, ये आ गई आपकी के बाई आर, के बाई आर, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ के बाई आर, तो ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी हाफ के बाई आर। चलिए पहला इक्वेशन ये आपका काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है दूसरा में क्या बोल रहा है अंडर सेंट्रिप वेयर के इज कॉन्स्टेंट, व्हाट इज द टोटल एनर्जी, तो अब पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी चलिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी का हमें पता है फॉर्मूला क्या है आपका हो गया पोटेंशियल एनर्जी एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर है कि नहीं है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या था यू इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर, यहाँ आर वन से इन्फिनिटी लिमिट आर वन से आर टू लेके चल रहा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दीजिए बच्चों यू इक्वल टू कितना माइनस इन्फिनिटी मान लीजिए रेफरेंस आर, ये फॉर्मूला हमने देखा था एफ डी आर। ठीक है ना यहाँ से देखेंगे इसको पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस आर इन्फिनिटी एफ की जगह क्या जो दे रखा है ये वाला रख देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस के वाई आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा डी आर, तो यहाँ से इसको कैलकुलेशन कीजिएगा इंटीग्रेट माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है ना माइनस माइनस आपका और ये इन्फिनिटी फाइनल माइनस से इनिशियल कीजिएगा, तो कैलकुलेशन सारा कुछ करके देखिएगा मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स माइनस के वाई आर, ये आ गया आपका कितना पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी कितना आ गया टोटल एनर्जी हो गया पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ऐड कर दीजिए पोटेंशियल एनर्जी कितना आया माइनस कैलकुलेट, अच्छा इसको कैलकुलेशन देखिएगा आराम से। ठीक है कैलकुलेशन हो जाएगा, कैलकुलेशन ये माइनस मैंने के बाई आर एस पर रख दिया यहाँ पे, ये फॉर्मूला मैंने यूज किया ये वाला, आपको मेन फॉर्मूला ध्यान रखना माइनस आर इन्फिनिटिव से अंडर सेंट्रीपिटल। ठीक है आपको लिमिट लगा दिया मैंने यहाँ से एफ एफ डी आर लगा दिया, यहाँ से एफ क्या है माइनस के बाई आर स्क्वायर रख दिया, इसको कैलकुलेट कीजिएगा इंटीग्रेट कर दीजिएगा के बाई आर स्क्वायर को पोटेंशियल, तो इसको टोटल ऐड कीजिएगा, तो लास्ट में मैं रिजल्ट बता देता हूँ इसको के बाई टू आर, ये आपका टोटल एनर्जी, ये नेगेटिव एनर्जी आ गया ना बच्चों। ठीक है मतलब बाउंड है एनर्जी है जो आपको क्या है सेंटर की ओर बाउंड है, इसलिए नेगेटिव है बाउंडेड एनर्जी है। ठीक है तो बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर आगे हम देखेंगे आप वर्टिकल सर्किट डिस्कस करेंगे वर्क पावर। ठीक है चलिए बच्चों थैंक यू।